दिखाया, बताया जाने लगा कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया, तभी हम लोग जान पाए। और क्या सूचना है, कब तक चलेंगे वहाँ से? कोई सूचना नहीं दी जा रही है। उमर वहाँ रात ही से है, 12 ही बजे पहुँच गया था, लेकिन कोई सूचना नहीं दी जा रही कि कब पोस्टमार्टम कराएंगे, कब बॉडी देंगे। सब लोग परेशान हैं कि कब उनका दाह संस्कार मिट्टी दी जाए, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा। क्या लगता है, जो शुभा था वही सच हुआ? महीनों पहले से जिस बात को कहा जा रहा था वही हुआ। ये अभी हम लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, तो ये जो कब्रिस्तान में जो रस्म अदायगी है वो कब तक उम्मीद है? बॉडी मिलने के बाद बताया जा सकेगा कि कब हम कर पाएंगे, इसलिए कि अभी तक तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ जो जानकारियां हैं, जबकि मामूली एक्सीडेंट ऑक्सीडेंट में भी घर वाले अगर कह देते हैं, लिख के दे देते हैं, तो रात में पोस्टमार्टम हो जाता है। और उनका पोस्टमार्टम रात में नहीं कराया गया, कहने के बाद भी अब तक भी कोई सूचना नहीं है कि कब होगा, किस कहाँ होगा। सुना अफजाल अंसारी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, अफजाल साहब की रात से तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी काफ़ी हाई है और परेशान। देखिए वो उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज़ पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है जब से यह चीज आई है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही है? मैं एक दो दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक नहीं है, यकीन है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है।